बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इकराम चौधरी है और पाकिस्तान रावलपिंडी इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ। और मुझे लास्ट 33 ईयर से मैं जापान ओवरसीज में बिजनेस कर रहा हूँ और गाड़ियों और पार्ट्स का बिजनेस करता हूँ। मैंने 2 महीने पहले एक 7 न्यूज़ में मेरी न्यूज़ आई थी, जो मलक रियाज बैरियटॉन के ऑनर हैं, जिनका नाम मलक रियाज वाल मलक आशिक, जो चीफ एग्जेक्टिव बैरियटॉन के हैं, उनसे मेरा एक 82 करोड़ की मैंने अमाउंट जो न्यूज़ में आई थी वो आग की तरह फैल गई थी, लेकिन उसका अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं आज जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का मैसेज अपील सुनी तो मेरा दिल बाग बाग हो गया कि हमारे कायद ने एक अपील नहीं ऑर्डर करते, हम उस पर उनके मियार के मुताबिक हम उतरे। अब रहा जनाब चीफ जस्टिस साहब, जनाब ओवरसीज हमारे कमिश्नर साहब और जनाब प्राइम मिनिस्टर हमारे इमरान खान साहब, जो हमारे दिलों में बैठे हुए हैं, हम उनके हुक्म के पाबंद हैं। जनाब इमरान खान साहब, आपने अपील नहीं करनी है, आपने हुक्म करना है। ओवरसीज के जितने भी बिजनेसमैन हैं आपको लबैक करते हैं। मैं चौधरी मोहम्मद इकराम आपके हुक्म की लबैक करता हूँ। मेरे 82 करोड़ रुपीस जो 36 कनाल 10 मरले बैरियटॉन के मलक रियाज ने दबा के रखे हुए हैं, जो लीगल है, लीगल अमाउंट है और आज की रेट से है, उन्होंने आज भी देना है, 10 साल बाद भी देना है, कोर्ट चल रही है। लेकिन मैं मलक रियाज साहब से और सारी जितने भी दोस्त हजरात हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज हमारे कायद ने आवाज़ दी है, आज ये मुश्किल वक्त है। मेरी अमाउंट जो 50% मैंने इसकी मस्किनों को दी हुई थी, उसके अलावा जो मेरी जाती बनती है 41-42 करोड़ रुपया, वो 1 to all में अपनी अमाउंट फी सबीलिल्लाह अपने मुल्क के फंड में दे रहा हूँ, ताकि हमारा जो डैम बन सके। और हमारे कायद ने हुक्म किया, हम उस हुक्म की तामील करते हैं। और मैं और मेरे अलावा जितने भी पाकिस्तानी जापान में और मेरे साथी इंग्लैंड में बिजनेसमैन जो है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चौधरी इकराम की तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप $1,000 छोड़ के $500 भी डाल दें, ताकि हमारे मुल्क में थोड़ी सी आसानी हो जाए। आने वाला वक्त बहुत बुरा है, जैसे 3 दिन का पानी सुना है तो मुझे तकलीफ हो रही है, हमारे बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैं पाकिस्तानी जो जापान में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जानते होंगे, मैं भी 33 ईयर से रह रहा हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ बांध करके, हाथ जोड़ के मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना हो सके आप हमारे कायद के हुक्म की तामील करें और उनसे जितने भी आप ज़्यादा फंड हो सकता है डालें। मेरा 42 करोड़ रुपीस जो कि मलक रियाज ने देना है और 100 बिलियन% देना है, वो मैं अपने मुल्क अपने कायद के हुक्म के मुताबिक देना चाह रहा हूँ। और जैसे भी जनाब इमरान खान साहब, आप अगर मेरा मीडिया में आप तक मीडिया पहुँचती है तो आप सुन सकते हैं, आप एज ए ऑर्डर भी मेरी अमाउंट ले सकते हैं। मैं 1 to all लीगल हाई कोर्ट में मेरा केस चल रहा है, सिविल केस में जीत गया हूँ, हाई कोर्ट में इंशाल्लाह हेयरिंग आने पे 1 day में मैं जीत जाऊंगा, लेकिन हो सके मेरा वक्त गुजर जाए, मैं वक्त से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ। 42 करोड़ रुपया जो मेरा बनता है 82 है, लेकिन मैंने 50% यतीम मस्कीन बेवा औरतों को दे दिया है, वो मैं वापस नहीं लेना चाहता। जो मेरा जाती 41-42 करोड़ रुपया है वो मैं अपने डैम के फंड में देना चाहता हूँ। आज अभी मैंने न्यूज़ सुनी, अभी मैं अपने कायद के हुक्म के मुताबिक दे रहा हूँ। रहा जब अपना ये अस्पताल बन रहा था, अस्पताल में आपदा परवीन आई थी, इमरान खान साहब आए थे, मैडम जमायमा आई थी, मैंने 2 दिन पूरे 2 दिन इमरान खान साहब को आपको दिए, आपके पास प्रूफ भी है, हम लोगों ने $5,00,000 आपको फंड अरेंज करके दिया था। इसी तरह आज जो मेरे पास है, जो मेरी जात के मेरे अकाउंट में, वो अपने पाकिस्तान के अकाउंट से मैं 1 to all जितने भी है वो मैं अपने
जज्बाती हो रहा हूँ, मुझे खुशी है कि हमारे पैसे जो है सही टाइम सही वक्त सही कायद जो है वो भेजना चाह रहे हैं और यूज कर रहे हैं। आपने कहा है कि मैं आपके पैसों की हिफाजत करूंगा। सर जी, हम आपको जानते हैं, आप एक एक पाई को हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। मैं अपने पाकिस्तानियों से भी गुजारिश करता हूँ, मेरे जो पाकिस्तान इंग्लैंड के जितने भी दोस्त हैं, जहाँ जहाँ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि हमारे फंड जरूर जरूर जितने भी आप हो सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान, लब्बैक लब्बैक लब्बैक।